नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के द्वारा दिए हुए सिलेबस में EL 305 थर्ड ईयर का EL सब्जेक्ट EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो 1.1 है, फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग ऑफ वेरियस डिवाइसेस है। उनमें से एक डिवाइस है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हम आज लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन एंड कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो SCR होते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, और SCR के अंदर SCR जो होती है वो चार लेयर डिवाइस है, जिसमें PNP की का सैंडविच होता है। ये सारे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। इस डिवाइस के अंदर चार लेयर्स होती हैं, और उनके चारों का जो एक सैंडविच बनता है, तो तीन जंक्शन बनते हैं। उन तीन जंक्शंस में हम तीन टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, जिसे एनोड, कैथोड और गेट बोला जाता है। तो जो हमारा LSCR होता है वो भी इसी की तरह सिमिलर होता है, जो हमारा कन्वेंशनल SCR है, जनरल नॉर्मल SCR है, उसी की तरह LSCR भी एक SCR होता है, जिसमें चार जंक्शन होते हैं, चार लेयर्स होती हैं, तीन जंक्शन होते हैं, और तीन जंक्शंस में तीन उसकी टर्मिनल्स लगे होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि LSCR के अंदर जो गेट होता है, उस गेट पर एक लाइट एक्टिवेटेड या एक ऑप्टिकल सेंसिटिव विंडो होती है। उस ऑप्टिकल सेंसिटिव विंडो के अंदर हम लाइट एक्टिवेट करवा के, लाइट एक्सपोज करवा के और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से जो हमारा J2 जंक्शन जो रिवर्स बायस में होता है, जब हम इस SCR को फॉरवर्ड बायस में करवाते हैं, कंडक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो J2 जंक्शन होता है, वो J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होने की वजह से वहाँ कंडक्शन नहीं होता, तो वो जो लाइट होती है, लाइट के एक्सपोजर से वहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं और वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो बेसिकली ये जो LSCR है, ये फोटो थायरिस्टर्स होते हैं, यानी ये इनका जो वर्किंग होता है ये फोटोन्स पर डिपेंड करता है। अब फोटोन्स और फोनोन्स दो तरह की हमारे पास एनर्जी होती है। फोटोन्स तो होती है लाइट एनर्जी और फोनोन्स होती है हीट एनर्जी। तो हमारा ये जो थायरिस्टर होता है, SCR होता है, ये फोटो एनर्जी पर उसकी वर्किंग डिपेंड करती है। SCR की तरह ही ये LSCR भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होने का मतलब ये है कि हम जब इसके एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव और गेट पर प्रॉपर ट्रिगरिंग देंगे, तभी ये कंडक्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर हमने एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव रख दिया, तो ये जो SCR है ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये इस वजह से ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, और यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होने की वजह से हम इसमें स्विचिंग का वर्क भी करवाते हैं। तो ये जो LSCR है, ये एक्ट एज ए स्विच भी हम इसको बोलते हैं। इसमें जो स्टेट्स होती हैं, बेसिकली जो SCR होता है उसमें दो तरह की बायसिंग करते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग के केस में तो क्या होगा कि एनोड पर पॉजिटिव, एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव रखते हैं, तो ये रिवर्स बायसिंग होती है। इस रिवर्स बायसिंग के अंदर जो तीन जंक्शन बनते हैं, उसमें J1, J2 और J3 जंक्शन जो होते हैं, ये तीनों जंक्शन बनते हैं। तो J1 जंक्शन तो हमारा रिवर्स बायस में होता है, J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और J3 जंक्शन फिर से रिवर्स बायस में होता है। तो बेसिकली इसमें रिवर्स बायस के दो जंक्शन होते हैं और एक फॉरवर्ड बायस का जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस का एक जंक्शन होता है। इस वजह से यहाँ जो हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है, वो कंडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है। एक बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, और वो स्मॉल अमाउंट के करंट के फ्लो होता है रिवर्स लीकेज करंट की वजह से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली रिवर्स बायस के अंदर हम इसको वर्क नहीं करवाते हैं, फॉरवर्ड बायस में इसमें वर्क करवाते हैं। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर वर्क करवाने के लिए हमें J1 जंक्शन और J2 जंक्शन, J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में होंगे,
और ये कब होगा, जब हम एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव और गेट पर एक प्रॉपर ट्रिगरिंग देंगे, उस कंडीशन में हमारा जो SCR है वो कंडक्शन मोड में आएगा। लेकिन इस बायसिंग की वजह से भी को देते टाइम भी होता ये है कि जो J2 जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस रह जाता है। अब इस वजह से जो SCR होता है वो ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, तो इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए ये हमारी स्टेज जो होती है इसको चेंज करवाने के लिए हमें जो SCR होता है उसे एक्सपोज टू पल्स ऑफ लाइट कहा जाता है उससे करना पड़ता है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो लाइट इस पर फॉल करवानी पड़ती है, इंसिडेंट करवानी पड़ती है। इवन व्हेन द लाइट इज रिमूव्ड द LASCR रिमेन्स ऑन अंटिल द एनोड एंड कैथोड पोलैरिटीज आर रिवर्स और द पावर इज रिमूव्ड। बेसिकली जब हमने इसको SCR को फॉरवर्ड बायसिंग कर दी और लाइट से इसको एक्टिवेट कर दिया, अब ये जो ऑप्टिकल सेंसिटिव विंडो है, ये ऑप्टिकल सेंसिटिव विंडो इसके गेट टर्मिनल के पास में बनाई जाती है, J2 जंक्शन के पास में बनाई जाती है। हम इसमें करंट का एक्सपोजर, लाइट का एक्सपोजर करवाते हैं, लाइट की इस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, उसकी वजह से यहाँ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं और ये हमारा ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में SCR आ जाता है। अब एक बार इसको टर्न ऑन कर दें, उस टर्न ऑन करने के बाद में हम अगर इस पर से ये लाइट का इंसिडेंस हटा भी दें तो ये ऑन कंडीशन में रहेगा, कंडक्शन मोड में ही रहेगा, और ये इवन तब तक रहेगा जब तक या तो हम इस पर से पावर नहीं हटा दें या फिर एनोड और कैथोड पर जो पोलैरिटीज़ हमने लगा रखी हैं वो पोलैरिटीज़ हम इंटरचेंज नहीं कर देते। तो इसलिए ये LASCR पर एक बार अगर इसको ऑन कर दिया तो ऑफ करने के लिए हमें फिर जो अप्रोच सिंपल SCR के अंदर हम यूज़ करते थे, आइदर टर्निंग, आइदर रिमूविंग द पावर और पोलैरिटी चेंज, ये प्रोसीजर हम इसमें यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो LASCR होता है वो लाइट की वजह से ट्रिगर होता है, तो इसको हम लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर भी कहते हैं, LTT। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली सेम हमारा जो SCR होता है उसी की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है, एक P फिर N फिर P फिर N, इस तरह से चार लेयर्स होती हैं, उनको आपस में सैंडविच किया जाता है। सैंडविच करने के बाद में तीन जंक्शंस इस पर बन के आते हैं, J1 J2 J3, और इसका जो गेट होता है वो गेट कनेक्ट होता है इनर पी पर, जो इनर पी सेमीकंडक्टर लेयर होता है उस पर। अगर अपन इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल सेम इसका जो हमारा सिंपल SCR होता है, नॉर्मल SCR होता है, उसकी तरह ही सिंबल होता है। सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है, आपको मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है कि इसमें गेट की तरफ एक इंसिडेंट रे का के दो एरोज बने होते हैं। इंसिडेंट रे के दो एरोज का मतलब यह है कि इस पर इसकी वर्किंग कंट्रोल होगी इंसिडेंट ऑफ लाइट से, तो क्योंकि ये लाइट एक्टिवेटेड SCR है इसलिए इसकी वर्किंग लाइट से कंट्रोल होगी, और वो तभी होगी जब इस पर हम इंसिडेंट करवाएंगे लाइट, तो इसलिए ये दो एरो दिए जाते हैं। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन था। इसके अंदर एक रीज़न जो होता है गेट के पास में वो होता है रीज़न ऑप्टिकल सेंसिटिव रीज़न। ये ऑप्टिकल सेंसिटिव रीज़न के अंदर हमारा ये इसलिए ऑप्टिकल सेंसिटिव रीज़न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रीज़न पर जब हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं इस रीज़न में, और जो कि J2 जंक्शन के अंदर ये फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर होता है उस पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उस विड्थ को डिक्रीज़ होने की वजह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ये जो होता है J2 जंक्शन, इस पर जो बैरियर की विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा ये J2 जंक्शन ऑन हो जाएगा, यानी कंडक्शन मोड, ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ये इसका सिंबल है, बेसिक सिंबल। हमारे जो SCR है उसी की तरह, नॉर्मल SCR की तरह इसका सिंबल है, बस फ़र्क इतना सा है कि इसके अंदर लाइट इंसिडेंट करवाने
का जो प्रोसेस है उस वजह से यहाँ दो एरोज हमने इसकी तरफ लगाए हुए हैं, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है LiCr का, जो दो ट्रांजिस्टर बेस्ड इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है PJT, उसका उसके बेस से नीचे वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कनेक्टेड है, और नीचे वाले कलेक्टर के बेस से ऊपर वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कनेक्टेड है, यानी बेस और कलेक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बेस और कलेक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से ये हमारा LiCr बनता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला जो ट्रांजिस्टर है उसकी तरफ लाइट की इंसिडेंस करवाई हुई है। बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो ये एक सिंपल सर्किट बनाया हुआ है उसके लिए वर्किंग के लिए। अपन इसमें देखें तो जो लाइट है, जो SCR है, LiCr लाइट एक्टिवेटेड SCR है, ये SCR का एनोड कनेक्टेड है लोड से, और लोड कनेक्टेड है हमारा वोल्टेज बायसिंग सप्लाई से, और दूसरी तरफ ये VBB से कनेक्टेड है, और गेट पर हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इस वोल्टेज को, जो इसमें ट्रिगरिंग प्रोवाइड करवाता है, और कैथोड को हमने ग्राउंड कर रखा है। अब फर्स्ट कंडीशन ये देखें कि जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं करवाएंगे, तो व्हेन नो लाइट इज़ प्रेजेंट LiCr इज ऑफ, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, LiCr ऑफ रहेगा, लाइट इंसिडेंट नहीं करवाना तो LiCr ऑफ रहेगा, और इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा लोड पर। हाउएवर व्हेन द लाइट एक्टिवेटेड SCR इज इल्यूमिनेटेड, इट टर्न्स ऑन अलोइंग करंट टू फ्लो थ्रू द लोड। और जैसे ही हम इस LiCr पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, इल्यूमिनेट करवाते हैं, तो ये टर्न ऑन हो जाता है और एक करंट इसके थ्रू फ्लो होकर लोड में जाता है। द रजिस्टर इन द सर्किट इज़ यूज टू सेट द ट्रिगरिंग लेवल ऑफ LiCr। इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर इस LiCr के ट्रिगरिंग लेवल को सेट करने के लिए लगाया जाता है। अगर हमारे पास लाइट कम है तो मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करके और वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर लाइट ज़्यादा है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, लाइट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ाकर और वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से कम कर देंगे, तो वो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी अकॉर्डिंग हम इसमें रेजिस्टेंस जो आर है इसकी वैल्यू चेंज करके इसका ट्रिगरिंग लेवल चेंज कर सकते हैं। अब रजिस्टर कैन बी एडेड बिटवीन गेट एंड कैथोड टू रिड्यूस द ससेप्टेबिलिटी टू नॉइज एंड DV/DT इफेक्ट, बट दिस डिग्रेड द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट ट्रिगरिंग। बेसिकली अगर हम एक रजिस्टेंस और कनेक्ट कर दें इस गेट के थ्रू, गेट और कैथोड के थ्रू के बीच में, तो हम इससे इसकी DV/DT सेंसिटिविटी या इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि इस पर जो वोल्टेज हो, गेट पर जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज डिवाइड होकर आएगा, वोल्टेज डिवाइडर इसमें लग जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर लगने की वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी होगी टूवर्ड्स द लाइट वो डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए हम ये ऑप्शन है हमारे पास, करना चाहें कर सकते हैं, बट इसलिए इसको यूज़ कभी कर सकते हैं, बट एक ये ऑप्शन है लाइट ट्रिगरिंग। अभी कैसे लाइट ट्रिगरिंग होती है इसको हम देखते हैं। व्हेन फोटॉन्स फ्रॉम लाइट सोर्स कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन्स विद इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, दे गेन एनफ एनर्जी टू जंप क्रॉस द पीएन जंक्शन एनर्जी बैरियर, प्रोवाइड द फोटॉन्स आर ऑफ द राइट एनर्जी। हम अगर प्रॉपर लाइट जो एनर्जी हमें चाहिए उस एनर्जी की अगर हम इस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो लाइट है वो ऑप्टिकल सेंसिटिव एरिया जो रीजन जो बना होता है वो इनर पी लेयर के अंदर बना होता है। उस इनर पी लेयर के अंदर जो इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने की वजह से वो एनर्जाइज होंगे, और उस एनर्जी की वजह से जो बैरियर होता है उस बैरियर को वो पास करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो लाइट जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरेट होकर इसको इसकी स्टेट ऑफ
ऑपरेशन चेंज करते हैं कंडक्शन मोड के अंदर इसको, ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में इसको लाते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ फोटॉन्स लिबरेट्स ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन ए लार्ज एनफ करंट एट द बेस इज जनरेटेड टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर द नेट रिजल्ट इज ए करंट दैट फ्लो फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अक्रॉस इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से एक लार्ज करंट हमारे पास बेस रीजन जो होता है, हम इसको ट्रांजिस्टर का जो मॉडल था उसके हिसाब से बात करें तो सेकंड वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस रीजन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये टर्न ऑन हो जाता है। इसकी वजह से एक ओवरऑल जो नेट जो करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ वो इंक्रीज हो जाता है। इवन व्हेन द फोटॉन्स आर एलिमिनेटेड द LSCR विल रिमेन ऑन अंटिल द पोलैरिटी ऑफ द एनोड एंड कैथोड आर रिवर्स बायस और द पावर इज कट ऑफ। और जब तक हम इस LSCR पर से रहे हम पावर नहीं हटाएंगे, बायसिंग पावर जो एनोड कैथोड के बीच में बायसिंग पावर लगी हुई है उस पावर को नहीं हटाएंगे, तब तक ये हमारा टर्न ऑन कंडीशन में ही रहेगा भले ही हम इस LSCR से फोटोन्स को हटा भी दें। तो बेसिकली ये हमारा इसमें जो प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ वर्किंग LSCR की वो लाइट ट्रिगरिंग में इस तरह से होती है अभी हमने जो डिस्कस की। अब इसके एप्लीकेशंस हम देख लें तो द प्राइमरी यूज़ ऑफ लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर इज़ इन हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन। जहाँ हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। स्टैटिक रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में इसको यूज़ करते हैं। HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको रिले ड्राइविंग सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे LSCR के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था और एक शॉर्ट नोट के अगर शॉर्ट नोट के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये पर्याप्त फंडामेंटल पर्याप्त हमारे पास मटेरियल है कि इससे 5-6 नंबर का या 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। हमने इस वीडियो के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वर्किंग इसका प्रोसीजर इसका फेनोमेना इसकी एप्लीकेशंस और सिंबल्स इसका सर्किट डायग्राम ये डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।